हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार मार्केट में बहुत दिन से बहुत ज़्यादा धमाकेदार 4K टीवी नहीं आ रही थी, लेकिन यार इस चीज़ को बहुत दिन से रिसर्च करते करते आखिरकार एसर ने अपनी टीवी लॉन्च करी है। और ये एसर वही कंपनी है जो मॉनिटर बनाती है, गेमिंग मॉनिटर, और जो साथ साथ में आपको वीडियो एडिटिंग मॉनिटर बनाती है। तो आपको पहले से पता होगा जो डिस्प्ले बनाने के मामले में एसर कंपनी पहले से बहुत ज़्यादा आगे। तो इन्होंने अपनी जो ज़्यादा बेस्ट टीवी इसमें प्रेजेंट टाइम पर लॉन्च करी, उसका नाम है एसर एडवांस आई सीरीज। बात किया जाए इसकी तो ये 4K टीवी में आपको 43 इंच लेकर के 75 इंच में बड़ी स्क्रीन में भी मिल जाती है आपको। और इसमें जो जो फीचर्स आ रहे हैं और जैसी पिक्चर क्वालिटी, जिस प्राइसिंग में ये लेकर के आ रही है, इट्स फैंटास्टिक। इसीलिए आज आपके लिए हम ये बेस्ट टीवी लेकर आ गए। जब मैंने इसको फुल रिव्यू किया है, उसके बाद आपके सामने अपना पहले मतलब कोई बढ़िया तरीके से सब कुछ बताने वाले हैं कि आपको आखिरकार ये स्मार्ट टीवी लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप सभी को पता क्या करना है, चैनल जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन कर लिए, क्योंकि ऐसी वीडियो रोजाना कोई नहीं बना पाता। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो यार एसर एडवांस आई सीरीज बात की जाए इसकी तो ये 43 इंच से लेकर 75 इंच जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी चीज़ है जो जो ये प्राइसिंग के साथ चीज़ें दे रही है, पहले आपको मतलब बताना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ तो यार ये कि इस कंपनी ने वाकई में बोला जाए तो एक स्मार्ट टीवी के मामले में बोले तो धमाल ला दी है। जैसे कि एक जमाने में MI ने जो है स्मार्टफोन में धमाल ला दिया था कि कितने कम रुपए में ज़्यादा फीचर दे, तो वही चीज़ इन्होंने किया है। बहुत कम रुपए में चीज़ें भी अच्छी लगा रहे हैं और आई डोंट नो ये कैसे हुआ। प्लस में आपको पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी हर एक मामले में काफ़ी अच्छी चीज़ करी है। और साथ साथ में आपको इसमें गूगल टीवी इन बिल्ड भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई और OS मिल रहा हो, क्योंकि आजकल कई सारी कंपनी अच्छी अच्छी चीज़ें तो दे रही हैं लेकिन उसमें OS बदल दे रही हैं। इसके कारण हालांकि सैमसंग और LG को छोड़ के उनके OS बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी जो कंपनियां जो कुछ अदर OS में हालांकि वो इतने अच्छे, लेकिन गूगल OS इज अ टॉप 1 OS, सबसे बड़ा OS माना जा सकता है इसको, खासकर स्मार्ट टीवी के मामले में। तो वही चीज़ आपको इसमें मिल रही है। लेकिन सबसे पहली बात आपसे हम करेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले से पहले आपको चलो यार थोड़ा सा एक प्राइसिंग बता देते हैं, तब आपको सुनने में ज़्यादा मजा आने वाला है जो जो फीचर्स मिलेंगे जिस प्राइसिंग के हिसाब से। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में 43 इंच की टीवी लोगे तो आपको 24,000 या 25,000 रुपीज़ की मिल सकती है। और सबसे बढ़िया बात कुछ कार्ड्स में ऑफर लगाओगे मे भी आपको ये टीवी 23 तक की मिल जाए। और सबसे बढ़िया बात होता है अभी एक चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़िया बात होती जा रही है, अभी अमेजॉन प्राइम डे सेल में ये स्मार्ट टीवी आपको 22,000 रुपीज़ मिली थी। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने नहीं खरीदा तो सच बताऊँ ये टीवी इतने कम प्राइस में मिली थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कम प्राइस में चल रही है। ऑलरेडी ये 30,000 की टीवी है तो इसमें ऑलरेडी ये 25,000 रुपीज़ या 24,000 रुपीज़ मिल रही है। वही बात करें तो आपको 50 या 55 इंच की जो टीवी है ना, वो आपको 43 इंच की साइज मिल सकती है। मतलब कि कहने का मतलब ये 30,000 की टीवी 43 इंच की मिली थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको जो है 50 इंच की टीवी है वो आपको 30,000 रुपीज की मिल जाएगी। 55 इंच की टीवी की बात कहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 32,000 रुपीज की। 65 इंच की भी थोड़ी सी महंगी हो जाती है, 45 या 50,000 रुपीज चलती जाती है। वही 75 इंच भी काफी महंगी होगी, वो 80,000 रुपए की आती है। लेकिन अगर ऑल द वे अगर आपको 43 इंच लेकर 55 इंच की टीवी खरीदनी है तो सच बताऊं जो प्राइसिंग में टीवी जो जो फीचर्स है, चलो जल्दी से आपको फीचर्स बताए जाए। कहना ये चाहूँगा कि इस टीवी में सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी टीवी में, तो आपको इसमें डिस्प्ले के मामले में वो हर एक चीज़ मिल रही है जो जरूरी होती है किसी भी स्मार्ट टीवी में। जैसे कि पिक्चर कोडेक की बात किया तो आपको HDR10+ आराम से चला सकते हो, साथ साथ में डॉल्बी विजन के कंटेंट, और हाँ डॉल्बी एटमस के स्पीकर भी आपको इसमें मिल रहे हैं, और साथ साथ में 1 billion+ कलर का सपोर्ट मिल रहा है। विविड पिक्चर इंजन भी इसमें लगाया गया है। यही नहीं आपको बता पाएंगे वाइट कलर गैमिट का आपको सपोर्ट मिल जाता है। DCP-i3 90% के ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि DCP-i3 90% के ऊपर है, इसका मतलब कि कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई इस वाली टीवी में। साथ साथ में बताना चाहेंगे आपको इसमें ये सब जो चलो चलो ठीक चीज मतलब जो चीटी आपको बता रहे हैं वो सब तो ठीक है, साथ साथ में आपको इसमें MEMC भी मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, चलो ठीक है। अब बात करिए सबसे पहले डॉल्बी विजन की। डॉल्बी विजन के कंटेंट अगर आप इस वाली टीवी स्मार्ट टीवी में चलाते हो, जो ब्राइटनेस का टीवी आ रही है आपको ये 400 निट्स की टॉप ब्राइटनेस दे रही है। वाकई में बताया आपको नॉर्मल सी बात है, अगर आप डॉल्बी विजन कंटेंट नहीं भी देख रहे हो तब भी आपको ब्राइटनेस तो ज़्यादा लगे, लेकिन डॉल्बी विजन में आपकी और ज़्यादा, क्योंकि आपको इसमें डॉल्बी विजन जब कंटेंट चलाते हो खासकर नेटफ्लिक्स या डिजिटल पर हॉटस्टार पर, इसमें जो है डॉल्बी विजन कंटेंट काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे आपको। जैसे ही आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी चलाते हो या बॉलीवुड की भी, जैसे खाकी वेब सीरीज आती है नेटफ्लिक्स में, उसको आप देख सकते हो डॉल्बी विजन में आपको मिल जाएगा। कसम से जो क्लियरिटी और जो क्रिस्टल क्लियर कलर जिस प्राइसिंग में ये आ रही है, मैं बोलना चाहूँगा ये चीज़ आपको आराम से 40 या 50,000 की टीवी मिलेगी, आपको जो चीज़ ये 25,000 रुपए की टीवी में दे रही है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा साथ में, अगर आप HDR10 के कंटेंट भी चलाते हो वो भी बखूबी तरीके से चलाती है, और HDR10 के ऊपर ही होता है डॉल्बी विजन, ये तो आपको पता है, तो बताने जरूरत नहीं है। डॉल्बी विजन अच्छा चलाए तो HDR10 तो अच्छा चलाएगी। साथ साथ में लेकिन यही नहीं, कलर्स पैचेस काफ़ी अच्छी तरीके से इस वाली टीवी में बन रहे हैं। साथ साथ में बताना चाहूँगा जैसे 1 billion कलर का सपोर्ट है, तो 1 billion कलर का सपोर्ट मतलब कि आपके कलर गैमिट के साथ साथ जब
मतलब समझ लीजिए कलर जैसे नहीं, आप कोई भी चीज़ जो चलाते हैं खासकर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रंगीन माहौल होता है, जैसे खासकर गोलमाल वीवी देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रंगीन पिक्चर्स उक्चर्स होते हैं, तो जब कलर मिक्सअप होते हैं आपस में तो उस समय ऐसा नहीं होता कि यार कलर मिक्सअप हो जाए तो शेड्स अलग अलग बनने लग गया ना, जो पर्टिकुलर जिस चीज़ में जो कलर जिस चीज़ में कैमरा से शूटिंग करी गई है वही कलर आपको यार टीवी दिखाने की पूरी 100% कैपेबिलिटी रखती है। और साथ साथ बताना चाहूँगा आप जब खासकर जैसे इसमें MEMC भी है तो सबसे बढ़िया जैसे आप स्पोर्ट्स में कोई चीज़ देख रहे हो जैसे कि फुटबॉल देख रहे हो या फिर कोई एक्शन फिल्म देख रहे हो क्रिकेट देख रहे हो MEMC भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, बखूबी तरीके से काम करता है। आपको एक फुटबॉल दो दो नहीं दिखेगी, एक क्रिकेट बॉल दो दो नहीं दिखेगी, साथ साथ में जो तलवारें चल रही हैं या गोलियां चल रही हैं आपको तीन चार नहीं दिखेंगी, शेकीनेस को बिल्कुल जिटरनेस को बिल्कुल जीरो कर देता है। ठीक है, अभी तक तो आपने खाली डिस्प्ले के बारे में सुना, साथ साथ बताएंगे अगर आप जैसे HD कंटेंट देखते हो, फुल HD कंटेंट तो HD कंटेंट देखो, ये सब चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेबैक कर पाता है। बहुत सारे ऐसी टीवी होती है 4K कंटेंट तो अच्छे से प्ले करें, जैसे कि जो 4K टीवी है ये भी 4K टीवी जैसे कि, लेकिन वो HD कंटेंट जो नॉर्मल आप जैसे सेट टॉप बॉक्स के थ्रू लगाते हो या फिर आप जो है फुल HD या HD कंटेंट देखते हो तो उसको इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन इसमें ये भी चीज़ ध्यान दी गई है, HD फुल HD और HD कंटेंट सारे के सारे कंटेंट बखूबी तरीके से प्ले कर रही हो। 4K कंटेंट में जब कोई मूवी देखोगे HDR 10 या डॉल्बी विजन में मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब, बात करने लगा कि आप जैसे कोई मूवी थिएटर में बैठे हो, वो फील आपको ये 25,000 रुपये में दे सकती है। ना कोई भी टीवी आप बात करोगे वो समय में 30-35 हज़ार में वो चीज़ आपको दे रही है जो चीज़ आपको ये इतने रुपए में दे रही है। ये तो चलो डिस्प्ले की बात हो गई, डिस्प्ले के साथ साथ कॉम्बिनेशन दूसरे नंबर सबसे बड़ा क्या क्या चीज़ होती है वो होती है स्पीकर्स। अगर स्पीकर्स की बात किया तो किसी भी स्मार्ट टीवी में अगर स्पीकर्स अगर छोटे हो जाते हैं तो पूरा मजा फीका हो जाता है, आपको अलग से कुछ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन इस टीवी में ये चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको 43 इंच की टीवी में 30 वॉट के स्पीकर मिलना है, वो डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट। वही नहीं, अगर आप 50 या 55 इंच की टीवी लेते हो तो आपको उसमें 36 वॉट के स्पीकर मिलते हो, जैसे ही आप 65 इंच की टीवी में जाते हो आपको उसमें 40 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, 75 इंच के में 40 वॉट के स्पीकर मिलते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दी गई, मतलब कलर टीवी का साइज़ बड़ा हो रहा है तो उसके साथ स्पीकर की साइज़ भी बड़ी करते जा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ मतलब जैसे देखो जो प्राइस है, जैसे कि मैंने बोला 43 इंची की 43 इंची की टीवी आपको 25,000 मिल रही है, हाँ अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हो ना तो इन सभी जितनी भी साइजेस हैं इन सभी स्मार्ट टीवी की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे वो 43 इंच हो, 50, 55, 65 या 75, सभी स्मार्ट टीवी की लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और इन लिंक्स विद डिस्काउंट लिंक्स भी मैं डाल दूंगा, अगर मुझे डिस्काउंट लिंक्स मिलती है तो लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस वीडियो को खरीदना, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले ये वीडियो जरूर देख ली, और भी फीचर्स आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि देखिए आपको इसमें सराउंड साउंड का इफेक्ट आएगा क्योंकि आपको डॉल्बी एटमॉस इनबिल्ट मिल रहा है, साथ साथ में क्रिस्टल क्लियर सराउंड साउंड के साथ DTS HD भी आएगा। ये सब चीज़ें एक एक चीज़ जो जिस प्राइसिंग में सही में वाकई में मैंने कई बार सोचा था यार कहीं भी मुझे गलती दिख जाए, कहीं भी पिक्चर क्वालिटी को दिख जाए, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया वाकई में। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको इसमें गूगल असिस्टेंट मिलता है, ओके, गूगल क्रोम कास्ट बिल्ट इन और साथ साथ में गूगल प्ले भी मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात ये मेड इन इंडिया टीवी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, साथ में डुअल बैंड वाईफाई, लेकिन आपको इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिल जाता है। ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको पता ही होगा ये गेमिंग के लिए फुल्ली तरीके से काम आता है, लेकिन जब आप इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड जैसे ही आप इसके HDMI 2.1 में, हालांकि इसमें 3 HDMI 4 देखिए, इसमें से आपको एक HDMI 2.1 मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, आप उसमें जैसे ही आप अपने प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स कुछ भी कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिक ऑटो लो लेटेंसी मोड ऑन हो जाता है, लेकिन आप सेटिंग्स थ्रू ऑन भी कर सकते हो जैसे कि आपको चाहिए। लेकिन जब आप उसमें ऑन करते हो साथ साथ में आप जैसे जो है आप उसमें गेम खेलते हो, आपको MEMC के थ्रू ऑटो लो लेटेंसी मोड जो गेमिंग मोड में आप जो ये टीवी चलती है खासकर 50 इंच पे खेलोगे मजा ही आ जाता है, मतलब ऊपर के साइज में तो मजा ही आएगा, लेकिन इन दोनों साइज में मैंने देखा बहुत ज्यादा अच्छा फील आया मुझे। लेकिन यही नहीं, जैसे आप खासकर जो है गेमिंग तो करो चलो वो ठीक है, लेकिन आप जैसे कोई मूवी चलाना चाहते हो या फिर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर बहुत जैसे कई सारी फोटो, मान लीजिए एक पेन ड्राइव है किसी की वेडिंग की शादी है, आपने पेन ड्राइव लेकर के उसमें 1,000-2,000 फोटो होती है वेडिंग की शादी में, आप USB 2.0 होती है ज्यादातर टीवियों में आपको USB 2.0 मिलने वाली है, यहां तक 50-60 हज़ार की टीवी में, तो आप जैसे पेन ड्राइव लगाते हो उस पेन ड्राइव को खुलने में कम से कम 15-20-30 सेकंड लग जाते हैं, और खुल तो जाएगी उसके बाद उस जो कोई भी एक फोटो खोलोगे लाइन वाइज लाइन देख लोगे तब तो धीरे से चलेगी, लेकिन जैसे ही आप पहली फोटो से जो है 17 या 80 या फिर 500 फोटो पे आओगे उसको खुलने में टाइम लग जाएगा, 10-15-20 सेकंड और ले लेगा। लेकिन ये चीज़ इसमें बहुत सॉल्व करेगी क्योंकि आपको इसमें USB 3.0 मिल जाता है जिसकी ट्रांसफरिंग स्पीड लगभग 1 GBPS पहुंच जाती है, आप खुद सोच सकते हो 1 GB/s की ट्रांसफरिंग स्पीड हो जाएगी आन पार, तो बहुत अच्छी तरीके से आप पेन ड्राइव के थ्रू या उसमें मूवी देख सकते हो, फोटोज देख सकते हो, कई सारे लोग बैठा के जब फोटोज दिखानी है आपको वेडिंग की वो भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो इस वाली स्मार्ट टीवी में। यही नहीं, साथ साथ में आपको फ्रेम रेट डिजाइन भी मिल जाती है इस वाली टीवी में, और अगर आपको वाईफाई के थ्रू भी चलाना है तो डुअल बैंड वाईफाई 5 GHz 2 GHz भी मिल जाता है 2.4 GHz, और कनेक्टिविटी के मामले में HDMI जो है आपको 3 पोर्ट मिल जाते हैं, साथ साथ में USB के 2 पोर्ट मिल जाते हैं, ये 43 इंच की टीवी की बात बता रहे हैं, और मतलब सारे साइज में खैर यही
इलेक्ट्रिक उठवा दें और साथ साथ में लैंड कोर्ट जितने भी ऑप्टिकल जितने भी कोर्ट हैं सारे भर भर के मिल रहे हैं, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको इसमें 2 GB की रैम मिल रही है और 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है जो कि आपकी टीवी को लैग फ्री चलाएगा। और साथ साथ में यार सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसमें गूगल टीवी OS मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको जो फील इस वाली टीवी में आने वाला वो अननोन अदर देन किसी टीवी में आएगा, क्योंकि जो प्राइसिंग में ये टीवी दे रही है मेरे ख्याल से बहुत कम ही टीवी जो ऐसी कम्पीट कर पाएंगी इस वाली टीवी से। हाँ तो यार लेकिन देखा जाए तो सब लोग यार ज़्यादातर स्मार्ट टीवी की बात कर रहे थे, रिमोट की बात आखिरकार जो अच्छी तरीके से नहीं बताते, लेकिन आपको मैं बोलूँगा इसमें रिमोट भी आपको फुल फ्लेज रिमोट मिल रहा है। आप देखोगे तो इसमें डेडिकेटेड सारी बटन जैसे म्यूट की बटन डेडिकेटेड है, MI की टीवी लोग हैं, OnePlus की टीवी लोग उसमें डेडिकेटेड जो है म्यूट की बटन नहीं होती, आपको माइनस बटन 2 बार जल्दी जल्दी दबानी होती तब जाके म्यूट होता है, लेकिन इसमें आपको डेडिकेटेड जो है म्यूट की बटन मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको इसमें गूगल असिस्टेंट मिल रहा है जो कि माइक के थ्रू है, हाँ ब्लूटूथ रिमोट भी मिल रहा है और डेडिकेटेड बटन जैसे नेटफ्लिक्स यूट्यूब अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार और साथ साथ में स्टार्ट मेनू में जाकर के सारे ऐप्स और वहां से जाकर के देख सकते हो। ये सब चीजें काफी अच्छी तरीके से दी गई हैं। अब बात कीजिए फाइनल डिसीजन मेरा क्या है, फाइनल डिसीजन में मैं ये कहना चाहूंगा देखो ये टीवी लॉन्च हुई 2020 तक सबसे बड़ी बात है तो लेटेस्ट मॉडल है, तो पुराने मॉडल की कोई चिंता नहीं कि मतलब आप अपडेट्स नॉर्मल बात है अच्छी तरीके से आएंगे, आपको रैम की कमी भी नहीं रखी गई है, आपको साथ साथ में स्पीकर की कमी भी रखी गई है, आपको साथ साथ में डिजाइन में फ्रेमलेस डिजाइन भी मिल रही है आपको, तो कमी कहां पर रह जाती, कमी आपको मैं यही कहना चाहूंगा एसर की टीवियां अभी मतलब बोला जाए तो ग्रोइंग फेज में, लेकिन ग्रोइंग फेज में जो इन्होंने यारी टीवी लॉन्च करी है वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉन्च करी है। लेकिन आप अपने एरिया में खाली एक चीज़ कर लीजिएगा, अपने एरिया में एक बार सर्विस सेंटर कॉल करके पूछ लीजिएगा आपके आसपास सर्विस सेंटर एसर का है कि नहीं, और या फिर ये दिल्ली बुला या बैंगलोर या बॉम्बई ले करके आपकी टीवी पैक करके वहाँ पे आपको मंगवाते हैं तब ऐसा कराते हैं, ये पता जरूर कर लीजिएगा आपके एरिया में अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो प्लीज़ इस वाली टीवी को मत खरीदिएगा। सर्विस सेंटर है तो मैं बोलना चाहूँगा इससे बढ़िया प्राइस रेंज में टीवी नहीं मिलने वाली, तुरंत ले लीजिए आप, बस खाली एक बार सर्विस सेंटर खाली एक खाली पूछ लीजिए, क्योंकि सर्विस सेंटर इनके बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी है, ये नहीं कि मतलब जैसे अदर कंपनीज को, क्योंकि यार ये कंपनी अभी जस्ट ग्रोइंग फेज में चली टीवी के मामले में, वैसे तो कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन स्मार्ट टीवी के मामले में ग्रोइंग फेज में चली क्योंकि पार्ट्स इतनी जल्दी नहीं पहुँच पाते, आपको हो सकता है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर टीवी के मामले में ना हो तो एक बार फोन करके जरूर एसर का टोल फ्री नंबर आपको गूगल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर सर्च करिए और फोन करके पूछ लीजिएगा। बाकी अभी तक मेरे को इस पर कोई भी कमी नहीं लगी, ना ही 43 इंच, ना ही 50, 55, 65, 70 किसी में भी कोई भी कमी लगी। हाँ बस 65 और 75 इंच की थोड़ी सी प्राइसिंग ज़्यादा है, लेकिन ना अंदर आप 55 इंच की टीवी भी खरीदोगे वो भी आपको यार 32,000 रुपये मिल रही है और क्या चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा रिकमेंडेशन के साथ 100% इस वाली स्मार्ट टीवी ले सकते हो, साथ साथ में अगर आप इसको खरीदना चाहते हो सभी की सभी लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे आप फ्लिपकार्ट से खरीदो चाहे अमेजॉन से खरीदो। हाँ ध्यान रखिएगा फ्लिपकार्ट से खरीदते हो तो कभी उल जलूल आपको प्राइस दिखते हैं, कभी मतलब जैसे 43 इंच की प्राइसिंग अभी मैं देख रहा था 40,000 रुपये हो गई थी, मुझे नहीं पता इस रेंज से क्या उनके बग है उनके सॉफ्टवेयर में, वैसे नॉर्मल प्राइसिंग देती है लेकिन उनके बग हो सकता है सॉफ्टवेयर में, अब हो सकता है आगे चल के सही हो जाए, तो इसलिए हो सकता है आप अमेजॉन से खरीद सकते हो कहीं से भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं से भी खरीदो, वैसे तो ये आपको ऑनलाइन टीवी मिलेगी ऑफलाइन नहीं मिलेगी, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑनलाइन खरीदिए क्योंकि आपको इससे सर्विसिंग काफी अच्छी मिल सकती है, घर पे आकर के तुरंत ही जल्दी आपको होल्ड लगा सकते हैं टीवी में अगर आपको कहीं पे वॉल माउंट कराना है तो, साथ साथ में इनबिल्ट आपको इसमें स्टैंड मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आप चीज़ अपने आप से समझ सकते हो आप समझदार हो, और समझदारी के साथ साथ यार प्लीज जाके मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन कॉल करिए, तब तक के लिए यही मुझे इजाजत, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।